तो आज गुजरात में दो नाश्ता पॉइंट विजिट करेंगे। एक तो जी आप जहाँ पर फैमिली के साथ कम से कम बैठ के सुकून के साथ अच्छी एम्बियंस के अंदर हलवा पूड़ी वगैरह और पराठे अंडा ऑमलेट शामलेट खा सकते हैं, क्योंकि फैमिली के साथ नाश्ते की बहुत सी जो है इंक्वायरीज भी आती हैं और लोगों को जगह मिलती भी नहीं फैमिली के साथ जाके नाश्ता करने के लिए। सेकेंड पॉइंट है एक चने नान, दोनों सेम एरिया में है, दोनों बिल्कुल मतलब 50 मीटर्स के डिस्टेंस के अंदर है, साथ साथ ही आप कह सकते हैं इसको। पहले आपको जरा देसी वाला ट्रेडिशनल दिखाते हैं, आपके पास क्या क्या है जी? चिकन में कोफ्ते, अंडे हैं, चने हैं। चने भी तो दिखाओ ना। अच्छा चने हैं, अंडे, कोफ्ता, बस यही चीजें होती हैं आपके पास? अभी थोड़ा सा मसाला दीजिएगा, पाए पड़े लगाए। ठीक हो गया। ये एक प्याला लगाए जिसमें चने डालने हैं लेकिन अंडा कोफ्ता आपने ज्यादा डालना। ये प्याला कितने का जी? ये बोल 150 का बोल है जी। अच्छा 150 रुपए का चने का हाली बोल है जी। जी ठीक है। और अंडा कितने का? अंडा 50 का। 50 का अंडा, 250 का बोल हो जाएगा। कोफ्ता भी 50 का जी। ठीक हो गया। ये हमारा पहला पॉइंट है, यहाँ से हम लोगों ने चने, अंडा और कोफ्ता लगवाया है। अच्छा नान बहरहाल ये तो मुनासिब तो ही है लेकिन गर्म शायद यहाँ से मिल जाता हो। अच्छा चनों का प्याला जो है वो था जी इनका 150 का, ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है। और तो चने इनके काली दाल मिर्च मिक्स करके जो है ना ये बाकी अपने गर्म मसाले के साथ इन्होंने बनाए होते हैं। शोरबा तरी हरी आपको ऊपर नज़र आ रही है इसके। और 50 का अंडा और चिकन कोफ्ता है इनका, ये भी 50 रुपये का ये चिकन कोफ्ता। और पहले जो है ना इनके चने ट्राई करते हैं जी। इसकी लोकेशन समझ लें जी, ये रहमान मुरग चने के नाम से गुजरांवाला लिबर्टी मार्केट है। लिबर्टी मार्केट हम कहते हैं जी जिनाह स्टेडियम के सामने, जहाँ पे ये फ्राई मास्टर वगैरह मतलब फ्राई मास्टर वैसे सबसे फेमस जगह है यहाँ पे, वहाँ पे उस्ताद का अड्डा लगता है। तकरीबन 20-22 साल हो गए हैं, 15-16 साल से तो मैं भी जानता हूँ इनको। मेरा यहाँ पे दोस्त था बड़ा अच्छा, उसके साथ मैं यहाँ पे आया करता था। 150 रुपये का चने का प्याला, 50 का अंडा, 50 का कोफ्ता। अच्छा ये मैं बता दूँ कि एक मतलब एवरेज चने हैं, बट क्योंकि मैं बड़ा पुराना इस पॉइंट को जानता हूँ और तब मैं आया करता था तो मेरी एक वैसी थोड़ी सी इनके साथ जज्बाती वाबस्तगी कह सकते हैं आप लोग। और मतलब ये कोई सुपर डुपर कोई ऐसे नहीं है कि जिनके लिए स्पेशल सफ़र किया जाए। अलबत्ता दूसरा पॉइंट भी इसी लिबर्टी मार्केट के अंदर है, वहाँ पर जाके अपना जो है ना नाश्ता करते हैं, लेकिन वहाँ का जो एम्बियंस है वो ऐसा है जहाँ पर आप अपनी फैमिली के साथ भी आ सकते हैं। तो वहाँ पर क्या क्या मिलता है वो भी जाके देखते हैं। यहाँ पे क्या है कि आप एक अच्छे एम्बियंस के अंदर बैठ के हलवा पूड़ी वगैरह खा सकते हैं। सर इसके अलावा क्या क्या आपके पास? हमारे पास मटन हरीसा, पराठे हैं, ऑमलेट हैं। अच्छा पराठे, ऑमलेट, मटन हरीसा एंड हलवा पूड़ी, उसका क्या आपने प्लेटर शेटर बनाया हुआ है? प्लेटर बनाया हुआ है। वो क्या क्या उसमें होता है? थाल है, वो दो बंदों की सर्विंग है बेसिकली। अच्छा पूड़ियाँ होनी है चार, हलवा, चार पूड़ियाँ, हलवा, आलू की भुजिया, मीठे पूड़े, दो चार सलाद, हमारा बड़ा स्पेशल। ठीक हो गया। चलें जी एक तो सर जी यहाँ पे दिखा दे रहे दीन भाई, यहाँ पे इनकी पैकिंग चेकिंग भी है। अच्छा अंडा ब्रेड भी है आपके पास? ठीक हो गया। और यहाँ पे जो है इस साइड पे वो पूड़ियाँ लग रही हैं साथ साथ। और सर जी हमारा ऑर्डर ले लेंगे आप इधर ही? एक तो वो जो प्लेटर है आपका हलवा पूड़ी वाला, एक चीज़ ऑमलेट और एक पराठा सादे वाला। हाँ जी जज़ाकअल्लाह जी। और यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे मैं साथ इनको दिखा दूँ। एक तो इनका ये हाल है, दूसरा इनका फैमिली हाल है, वो सामने वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। चार पूड़ियाँ आई ना प्लेटर में? अच्छा दो बार में गरम गरम देते हैं। ठीक हो गया। ये आ गई इसमें चीज़, ये सवा थाल है जी हमारा। इसके अंदर क्या है जी, दो पूड़ियाँ हैं, दो पूड़े हैं, अचार है, यहाँ पे आलू की भुजिया है, चने हैं, दो सर्विंग, दो पोर्शन ऑफ चने हैं और ये हलवे का पोर्शन तो अच्छा है बाहर। अच्छा इस थाल का जो रेट है ना वो है 595 रुपये, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको 5% जो है ना वो चार्जेस, सर्विस चार्जेस यहाँ पे ऐड होते हैं, ये चीज़ है यहाँ पे। अच्छा ये है इनका पराठा, ये था 90 रुपये का है पराठा, बलो वाला, मतलब मैदे का नहीं आटे का बना हुआ है कम से कम, ये तो ठीक है। और दूसरा यहाँ पे है जी इनका चीज़ ऑमलेट, ये था 275 रुपीज़ का। और इसको जो है पहले, अच्छा ये सनी साइड आ गया, ये 145 की है और ब्रेड 2 पीस 90 रुपीज़ के थे गालबन इनके। और पहले जो है ना जी यहाँ से ट्राई करते हैं चीज़ ऑमलेट, वैसे देख लें यहाँ यहाँ दिखाइएगा जी भाई। जी जी पूड़ियाँ जो है अभी इन्होंने दो सर्व की हैं, ये दो बाद में आपको गरम गरम सर्व होती हैं। पहले आ गए जी चने इनके अंदर, यहाँ से जो है ना वैसे हलवे को ऊपर टॉपिंग में आपको ये मिल रहा है, खोया भी है, थोड़ी बादाम की भी टॉपिंग शॉपिंग ऊपर की हुई है। ये एक फुल बाइट इसकी बना लेते हैं जी। ये भी गुजरांवाला लिबर्टी मार्केट में ही, एक्चुअल जो फ्राई मास्टर का ही प्रोजेक्ट है, लेकिन इनका यहाँ पे सभा के नाम से एक नाश्ता पॉइंट है। एक साइड पे इनका किचन है, यहाँ पे भी इनका हाल है, दूसरा इनके बाद सामने भी एक फैमिली हाल मौजूद है। मकसद यह है कि अगर आप हलवा पूड़ी, पराठा, अंडा वगैरह किसी अच्छे एम्बियंस के अंदर बैठ के खाना चाहते हैं तो एक अच्छा ऑप्शन है। मैं यहाँ पे इसलिए आऊँगा सिर्फ
कि मुझे यहाँ पे फैमिली के साथ बैठने के लिए सिटिंग मिल रही है, इसके अलावा ये सिटिंग जो है ना आपको सिर्फ सुलेमान स्वीट में मिलती है। जो ऑर्डर था वो आपके सामने था, प्राइसेस मैंने पहले बता दिए हुए हैं, रेट शेट भाई मतलब आपको दिखा दिए हैं, आपने डिसाइड करना है कि वर्थ रखते हैं नहीं रखते, महंगा है सस्ता ये आपको पता है। इसके अलावा जो चने में थोड़ा सा ना एक मतलब प्रॉब्लम आया था, ये रेस्टोरेंट्स वालों के लिए भी तनकीद बराए इस्लाह आप कह सकते हैं कि ज़रूर है, वो उन्होंने चेंज तो है हमें कर दिए, लेकिन चूंकि मतलब मैं था और मैं आपको ये बता दूं कि भाई मैं कोई फूड ब्लॉगर नहीं हूँ, मैं एक फूडी बनता हूँ एंड मुझे खाने को देख के उसकी सेंसेस, खाना कल का था आज का था, खाना गोश्त के कौन से हिस्से का आया हुआ था, बकरे के किस हिस्से से गोश्त उतर के आया मेरे पास, हलवा किस में भुना हुआ है, पूरी मैदे की निकली है आटे की निकली है, मतलब ये चीज़ें हमारी मतलब बड होने की वजह से हमारी की बार सब कहते हैं खून के अंदर शामिल होती है। बहरहाल उन्होंने वो चेंज कर दिया, लेकिन अगर आपको किस तरह का कहीं पर भी भाई कोई प्रॉब्लम आता है ना खाने पीने की चीज़ें, ऑब्वियसली मतलब मौसम का टेम्परेचर का कोई मतलब अप एंड डाउन हो जाता है, तो मौके पर रेस्टोरेंट वालों को बताया करें, बताया उन्होंने चेंज कर दिया, ठीक है। अब ये सारे जो बिल था वो बना था 1800 रुपया तकरीबन, एंड ये दो पॉइंट्स हैं अगर आपका कभी दिल करे फैमिली के साथ बैठने के लिए, और सिर्फ इसीलिए मैं दोबारा बता दूं कि मैं सिर्फ इसलिए आऊँगा कि अगर मुझे फैमिली के साथ बैठने के लिए कोई जगह चाहिए और मेरे पास अच्छा ऑप्शन नहीं है तो मैं यहाँ पे आके नाश्ता करा लूँगा। सो अगली किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।